अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी पोस्ट करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू माय चैनल को उसमें से भी बना सकते हैं खाना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई सब्जी से बहुत ही लजीज कबाब, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया होते हैं और फट से बन जाते हैं। और इसकी जो सबसे बढ़िया चीज है ना वो ये है कि हम इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, स्नैक्स में भी खा सकते हैं, यहाँ तक कि कभी ऐसे ही भूख भी लग रही हो ना फट से बना के इसे खा सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी होती है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि इसे बनाना किस सब्जी से है। इसे हम बनाने वाले हैं साई भाजी से। और अगर आप नहीं जानते कि साई भाजी क्या है तो ये मैं आपको बता दूँ, ये एक सिंधी डिश है और बहुत ही यम होती है। साई भाजी पुलाव की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है और उसको आप ज़रूर देखें, बहुत ही बढ़िया होती है भाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको भी वो रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके देखिएगा ज़रूर। और पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और जब वो सब्जी इतनी अच्छी होगी तो सोचिए कबाब कितना अच्छा होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये साई भाजी ले ली है और ये एक कटोरी साई भाजी है। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा तवा ले लिया है, इसे हम गर्म होने रख दे रहे हैं। एक बार तवा गर्म हो जाए उसके बाद हम ये पूरी की पूरी साई भाजी इस तवे पे पलट देंगे। ये देखिए तवा मैंने गर्म कर लिया है। और अगर आप चाहें तो पहले से इसमें जीरा वीरा चटका के तड़का भी दे सकते हैं, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सिंपल बना रहा हूँ फटाफट से जो बन के तैयार हो जाए। यहाँ हमने साई भाजी चढ़ा दी है तवे पे और अब मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल डालने जा रहा हूँ। और यहाँ हम ऑयल डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये एक बड़ा चम्मच बेसन और अब हम इसे भूनना शुरू कर देंगे। और यहाँ बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा है। और बेसन हमें कितना डालना है ये पूरी तरह से साई भाजी के टेक्सचर पे डिपेंड करता है, तो हम उसी हिसाब से बेसन डालेंगे। यहाँ मैंने बेसन और डाल दिया है, जल्दी से इसे भी हम भून लेंगे। यहाँ पर साई भाजी और बेसन को मैंने काफ़ी देर तक भून लिया है और अब हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हम यहाँ डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार और रेड चिल्ली पाउडर, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाला है। अब डालेंगे यहाँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला और साथ ही में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मामूली सा ऑयल और डाल रहा हूँ और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर करके अमचूर डाल दूंगा। अब इसके बाद हम इसे मिक्स करना शुरू कर देंगे। तो अभी हमारा कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसे शेप दे देंगे। और यहाँ इसे मैंने सिलेंड्रिकल शेप दे दिया है और इसे मैंने गार्निश किया है प्याज और धनिया के साथ। अब इसे आप सॉस के साथ या चटनी के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब लगते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको इसका मज़ा मिल पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। तो देखो फ्रेंड्स, कितनी ही बढ़िया और कितनी आसानी से फट से बन गए हैं हमारे बढ़िया से लजीज कबाब, और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन कबाब से हम कबाब पराठे भी बना सकते हैं, अगर आप उसकी रेसिपी भी चाहते हैं इन कबाब के साथ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इससे आप मुझे जुड़े रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।